हेलो दोस्तों, तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी धमाकेदार खबर देने वाले हैं जो अपकमिंग 5G स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो कंपनी लाएगी दुनिया का पहला 20x जूम कैमरा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ओप्पो रीनो जो है उसमें 10x जूम कैमरा आया था, जो कि दुनिया का सबसे पहला 10x जूम कैमरा था, क्योंकि बाकी जो फ़ोन हैं उनमें 8x जूम तक की लिमिट होती है, लेकिन वो 10x जूम था। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बताएंगे वीवो का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। जी हाँ, अभी तक का सबसे सस्ता ये 5G स्मार्टफोन हो सकता है। ये 22 अगस्त को लॉन्च होने की इसकी संभावना है। वीवो IQOO Pro को 22 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक ये अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये काफी जो वन प्लस और हवाई के अभी तक के 5G स्मार्टफोन दोस्तों निकाल चुके हैं, हवाई 20X Pro ये 5G स्मार्टफोन है, बट ये जो है प्रीमियम यूजर्स के लिए इन्हें, इसलिए वीवो रियलमी और कई कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन आम जनता तक पहुंचाने के लिए बजट स्मार्टफोन निकालने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। और इसी के एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आया है, वीवो IQOO Pro। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको मिड रेंज तो मिलेगी, और कुछ क्या इसकी खबर निकल कर आ रही है, या फिर इसका आपके बारे में और क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो मतलब अभी तक की जो ट्रेंडिंग न्यूज निकल कर आ रही है वो यही है, इस स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 6.41 इंच फुल HD प्लस एमोल्ड डिस्प्ले दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, साथ ही उन पहले स्मार्टफोन में से होगा जिनमें स्नैपड्रैगन 85 प्लस प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये उन पहले स्मार्टफोनों में से होगा जिनमें स्नैपड्रैगन का फुल्ली अपडेट 855 यानी कि 855 प्लस प्रोसेसर मिलेगा। इसमें 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल मेमोरी दी जा सकती है। इस स्मार्टफोन में 48MP प्लस 13MP प्लस 12MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 44V का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4410 mAh की बैटरी दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खबरें इस फोन के बारे में जो निकल कर आ रही थी। पर दोस्तों, हमारा जो मानना है और हमारा जो अभी तक का अनुभव है इस चीज के साथ, ये कंपनी की तरफ से लीक हुई खबरें हैं या फिर, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये कंपनी इतने बजट में इतना कुछ दे पाएगी। अगर देती है तो काफी अच्छा है यूजर के लिए, लेकिन अभी तक ये खबर कंपनी की तरफ से आई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हाँ ऐसा कभी वीवो कर पाएगी। अभी तक तो किसी कंपनी ने ऐसा किया नहीं है, और आगे देखते हैं, 22 अगस्त का इंतजार हमें भी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आप लोगों के लिए निकल कर। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रीनो 2। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रीनो जो था वो 10x जूम के साथ आया था, तो ओप्पो ने अब ओप्पो रीनो 2 की अनाउंसमेंट की है। जी हाँ दोस्तों, और ओप्पो की कंपनी ने कहा है कि वो इस बार 20x जूम कैमरा लाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें अभी जो है ओप्पो की कंपनी जो है ओनर है, उन्होंने बात की है तो कहा है ये अभी सिर्फ टेस्टिंग में है। अगर ये मतलब जो करना चाह रहे हैं 20x जूम कैमरा, उस चीज में सफल रहते हैं, तो ओप्पो रीनो 2 में 20x कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके लिए मेरे हिसाब से शायद यह हो सकता है, लेकिन इसके लिए ओप्पो को अपनी कैमरा क्वालिटी पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी शायद ऐसा संभव हो। जी हाँ दोस्तों, तो हमें बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आगे वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन दबा देना जिससे हमारी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आइए बढ़ते हैं आज की सबसे धमाकेदार खबर पर। जी हाँ दोस्तों, जियो यूजर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी के साथ जियो लेकर आ गया है। जियो फोन जो आप कह रहे थे जियो फोन 3, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस साल तो जियो फोन 3 लॉन्च नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल जियो फोन 3 बिल्कुल भी लॉन्च नहीं होगा, अगले साल का हम कुछ नहीं कह सकते। और जो जियो फोन 1 है, जी हाँ दोस्तों, जियो फोन
सॉरी, तो जियो फोन में अब जियो टीवी जो आप यूज करते हैं उसमें डार्क मोड दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसमें डार्क मोड आ गया है, उसका अपडेट हो चुका है। और दोस्तों जियो मुकेश अंबानी जी की तरफ से एक और अनाउंसमेंट की गई है जियो के लिए, जियो फोन में काफी अब अपडेट दिए जाएंगे और उसकी कीमत को घटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो फोन 1500 रुपए का नहीं होगा, यानी कि 1050 का नहीं होगा, 1500 का पहले आपको परचेस करना पड़ता था ऑनलाइन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के अंदर ही उसकी कीमत घटकर कम कर दी जाएगी। यही खबर अभी तक हमें मिली है और हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर यार पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना मत भूलना। तो यार बताना जरूर आज की तुम्हें कैसी लगी हमारी वीडियो। तो चलिए हम दोस्तों आज हम एक और बात बताना चाहेंगे, ये वीडियो थोड़ा देरी से आ रहा है इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो डालने की।